आज की इस क्लास में आप एक्सेल में फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। फॉर्मूला सीखने के लिए पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक हमने शीट बनाई हुई है एक्सेल की, इस शीट को ही ओपन कर लेंगे। यहाँ होम के बाद में चौथे नंबर पे फॉर्मूलाज है। जैसे आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन है, ऑटो सम करके है, रिसेंटली यूज्ड है, फाइनेंशियल वाले हैं, लॉजिकल वाले हैं, टैक्स वाले हैं, या और बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल जो होता है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं और जो जिस फील्ड का व्यक्ति होता है वो उस फील्ड के फॉर्मूलेज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हम अपनी इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे ताकि आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आ पाए, सीख पाओ। फॉर्मूलाज में हमने एक शीट बना रखी है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोडक्ट है, उसके प्राइस है, क्वांटिटी है और कितना अमाउंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूलाज में इंसर्ट फंक्शन की, कि इंसर्ट फंक्शन होता क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक हमने शीट बनाई हुई है और यहाँ पे कुछ इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम बताने जा रहे हैं। सम या एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम या काउंट। इंसर्ट फंक्शन फंक्शन ये होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ना ले करके यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, जहाँ भी हमें चाहिए फॉर्मूलाज तो वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन पे जाने के लिए यहाँ पे कैटेगरीज होती है, जैसे मोस्ट रिसेंटली यूज, जो फिलहाल के कोई यूज़ किए हुए फॉर्मूले हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे सारे के सारे हो जाए, या फाइनेंशियल वाले शो हो जाएं, तो यहाँ पे सारे के सारे पे हम टिक लगा देते हैं। और हम मान लीजिए हमें यहाँ पे सम दिखाई नहीं दे रहा, या तो हम यहाँ से एक एक करके स्क्रोल बार से नीचे आ करके सम को ढूंढ लेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कह रहा है सर्च फॉर सा फॉर अ फंक्शन, तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हम लिखेंगे सम, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। तो गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे सम जो है वो आ गया। बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और इसने क्या किया, हालांकि इसने अपने आप ही एक रेंज सिलेक्ट कर ली, लेकिन हमें अगर रेंज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे नंबर वन जो है, यहाँ जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक का हमें लेना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर लेंगे। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर टू, यदि मान लीजिए मुझे कोई दूसरा भी कॉलम सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना है, तो दूसरा भी फॉर्मूला हम वो दूसरा भी हम जो सेल है या नंबर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए केवल हमें इसी का चाहिए तो हमने इसका सेलेक्ट कर लिया और हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओके करना है। तो इसने क्या किया, जो फॉर्मूले का आंसर है, इसका जो इस कॉलम का जो आंसर है वो यहाँ पे सम करके इसने दे दिया। इसके अलावा आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया होगा, एक बार फिर जान लेते हैं। मान लीजिए मुझे सिंपल लिखना है तो इक्वल टू तो हर फॉर्मूले में लगता ही है। इसके बाद जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है, मान लीजिए आपको सम लगाना है, जैसे आप फॉर्मूला टाइप करते हैं तो अपने आप ये जो है सजेशन में देता है कि आप कोई सम तो नहीं लगाना चाह रहे, या सम इफ तो नहीं लगाना चाह रहे, या ये तो नहीं लगाना चाह रहे। मान लीजिए हमें सम ही लगाना है तो या तो इस पर जब आप सजेस्ट करेगा या तो इस पर डबल क्लिक एक साथ कर लेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो अपने आप सम को सेलेक्ट कर लेगा और एक ब्रैकेट दे देगा। अब आपको क्या करना है, नंबर वन जो ये वाला, मान लीजिए जो भी आपको टोटल चाहिए, मान लीजिए मुझे इसका टोटल चाहिए तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे और बस कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट बंद कर दोगे और एंटर दबा दोगे। तो इस तरह भी आप टोटल कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं एवरेज की। अगर मुझे किसी संख्या का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, सीधे सा वही है। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, इंसर्ट फंक्शन में गए, यहाँ पे अगर आपको एवरेज दिखाई दे रहा है तो उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, या नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे एवरेज डाल करके गो कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही एवरेज आ रहा है तो हमें बस यहाँ पे ओके करना है। ये पूछेगा नंबर वन कौन सी कॉलम का आपको एवरेज चाहिए, तो वही इस बटन पर आपने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे वापस दोबारा आए और ओके कर दिया। तो इसने इस वाली कॉलम का हमें एवरेज दे दिया। एक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब यह है कि जो भी इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे शो करा देगा। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, इंसर्ट फंक्शन पे गए और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करके ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया ये पूछेगा कौन सी वाली कॉलम का मैक्सिमम देखना है, तो वही क्लिक करके खींचना है नीचे की तरफ, वापस दोबारा इसके ऊपर आए और हमने ओके कर दिया। तो जो भी इसमें मैक्सिमम संख्या होगी
वो यहाँ पर शो करा देगी। जैसे 28,503 है, तो इसमें देख रहे होंगे आप 28,503 सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे ही मिनिमम के बारे में जान लेते हैं। मिनिमम का मतलब ये है सबसे छोटी संख्या जो इसके अंदर होगी वो दिखा देगा। कर्सर हमने यहाँ पे रखा, इंसर्ट फंक्शन में गए और यहाँ पे हमने मिनिमम सर्च करना है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो MIN आपको डालना है बस और गो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। वापस वही इस बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सी कॉलम का मिनिमम नंबर देखना है, क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे उस कॉलम पे, यानी सेलेक्ट कर लेंगे। वापस इस पे आएंगे, ओके कर देंगे। तो जो भी है इसमें मिनिमम संख्या होगी जैसे 170 है, तो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसी इन संख्या को काउंट करना है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर काउंट करना है, जोड़ना नहीं है, केवल काउंट करना है कि कितने नंबर हैं, तो उसके लिए काउंट वाला फॉर्मूला होता है। कर्सर आपने रखा, इंसर्ट फंक्शन पे गए और यहाँ पे आपने काउंट पे सर्च करना है। तो ये काउंट आ गया, ओके किया, वापस वही इस बटन पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, वापस इस पे गए, ओके किया। तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है 9 नंबर है, तो ये काउंट होता है। तो इंसर्ट फंक्शन में हम अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के बारे में पूरी डिटेल में तो बता नहीं सकता, जो आगे आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इस इंसर्ट के अंदर ही शामिल है। तो अब आगे बात करते हैं ऑटोसम वाले फॉर्मूले की। इसके लिए भी हमने एक नई शीट बना रखी है, शीट 2 पे। यहाँ भी हम सम, एवरेज, काउंट नंबर या मैक्सिमम या मिनिमाइज फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इंसर्ट फंक्शन में, सेम ऐसे ही है। कर्सर हमने यहाँ रखा, ऑटो सम पे गए और यहाँ पे सम पे क्लिक किया। जैसे हमने सम पे क्लिक किया तो ये फॉर्मूला क्या करता है, ऑटो, इसका नाम ही ऑटो सम, ऑटोमेटिकली या तो ऊपर वाली संख्या को सेलेक्ट कर लेता है या अपने बाएं वाले की या अपने दाएं वाले संख्या को सेलेक्ट कर लेता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये नहीं, हमें क्लिक करके बताना है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है और हमें इसका एंटर करके टोटल चाहिए। तो ये क्या करेगा, एंटर करके हमारा टोटल ला के दे देगा। इसी तरह एवरेज है, सेम ऐसे ही। कर्सर हमने यहाँ रखा, ऑटो सम वाले पे गए और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया, तो इसने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया। हमें ऊपर वाले को नहीं, हमें इसको जो बेसिक सैलरी है यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करना है और बस एंटर दे देना है। तो इसने एवरेज भी हमें शो करके दिखा दिया। सेम ऐसे ही काउंट नंबर्स भी देख लेते हैं। कर्सर हमने यहाँ रखा, ऑटो सम पे गए, काउंट नंबर्स पे गए और हमने ये वाली संख्या को सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो इसने हमें जो है यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर थे वो काउंट करके दे दिए कि 12 नंबर है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर देखना है। वापस हमने कर्सर रखा, ऑटो सम पे गए, मैक्सिमम पे गए और हमने फिर इसको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का नहीं, हमें तो बेसिक सैलरी का ही मैक्सिमम सैलरी देखनी है कितनी है, सिलेक्ट किया। तो ये बता देगा कि मैक्सिमम जो सैलरी है 28,000 रुपये है दीपिका की। इसके अलावा मिनिमम नंबर, सबसे सैलरी कम किसकी है वो दिखा देगा। कर्सर हमने यहाँ रखा, ऑटो सम पे वापस गए और मिनिमम पे गए। वापस इसने फिर इसको फिर से वहीं से वहीं पे सिलेक्ट कर लिया अपने से ऊपर ऊपर वाले को। तो इसे नहीं, बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सिलेक्ट किया और एंटर। तो इसने बताया कि सबसे जो कम संख्या है वो 10,000 रुपये है। तो इस तरह से ऑटो सम हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड का मतलब ये है कि हमने फिलहाल में जो फंक्शन यूज किए हैं, जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, वो हमें रिसेंटली यूज में टॉप में दिखाएगा। जो ये बटन देख रहे हो ना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमने काउंट किया है, मिनिमम किया है, मैक्सिमम किया है, एवरेज किया है, सम किया है, तो ये हमें ऊपर ही दिखा रहा है कि ये वाले आपने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहो तो इन फॉर्मूले को यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लगाना है, यहाँ कर्सर रखा, रिसेंटली यूज में मान लो मुझे काउंट नंबर पर ही लगाना है, सिलेक्ट किया, वापस इस बटन पर गए, इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे वो रिसेंटली यूज्ड वाला, मतलब रिसेंटली यूज्ड से हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पहले यहाँ पे ऑटो सम में या कोई भी दूसरे फंक्शन हमने इस्तेमाल किए हैं वो रिसेंटली यूज में शो करता रहता है। तो रिसेंटली यूज से आप जो फॉर्मूले आपने रिसेंटली में यूज किए हैं वहां से आप रिसेंटली यूज से फॉर्मूले लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल। इसके लिए एक शीट ले लेते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है लेन देन, यानी पैसे का लेन देन करना। और इसमें फाइनेंशियल पर बटन पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले शो हो रहे हैं। हमने इस शीट में एक फॉर्मूला समझने के लिए एक शीट तैयार कर रखी है। जैसे ये लोन है, मान लीजिए कोई दीप मान लीजिए दीपक नाम का एक व्यक्ति है, उसने लोन लिया
मान लीजिए 2 लाख रुपए अमाउंट है, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी ब्याज लगा हुआ है, जो कि 5 साल में चुकाना होगा। और हमें ये नहीं पता कि अभी कि ये जो जो हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी, जो 5 साल के अंदर वो सारा का सारा अमाउंट खत्म हो जाए। तो उसके लिए आज हम फाइनेंशियल के बारे में, कुछ फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक शीट तैयार कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लोन है, यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, जो इसने लोन अमाउंट है वो 2 लाख रुपए ले रखा है, जिस पे इंटरेस्ट रेट यानी जो ब्याज है वो 6% लगा हुआ है, जो इसका पीरियड है लोन पीरियड के, इसको 5 साल में सारा का सारा चुकाना है, और उसकी क्या इंस्टॉलमेंट होगी या उसकी क्या EMI होगी जो पर मंथ देनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है PMT, इसका मतलब ये है पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। PMT का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो फॉर्मूला आप फाइनेंशियल में जा करके यहाँ पे PMT देख लेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। इसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लिक करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप वैसे ही मैनुअली टाइप कर सकते हैं, सबके लिए वही है, इक्वल टू PMT टैब, उसके बाद ये पूछ रहा है रेट, के रेट कितना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं उसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ के फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है रेट, यानी इस जो लोन है, जो अमाउंट है, इस पर कितना ब्याज लगा हुआ है, रेट कितना है, जैसे 6% लगा हुआ है। अब 6% के बाद रेट के बाद यहाँ कोमा लग रहा है, हमें कोमा लगाना भी, क्योंकि ये तो ईयरली है, हमें इसको मंथली निकालना है। तो मंथली निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, उसके बाद कोमा लगाना पड़ेगा, फिर है NPER। NPER का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पीरियड कितना है, कितने साल के लिए है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 5 साल के लिए है, क्योंकि हमें इसको भी मंथली निकालना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कोमा PV, कितनी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वो ले लेंगे 2 लाख रुपए, उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबा देंगे। तो इसने क्या किया, अभी ये डॉलर में दे रहा है, इसने अमाउंट निकाल दिया। इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको होम पे जाना और यहाँ कोमा पे टिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो है इसका पर मंथ की इंस्टॉलमेंट 38,3866.56 रुपये होगी। तो इसने हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे दिया 3,866.56 रुपये। अगर हम पर मंथ भरते रहेंगे तो 5 साल में जो ये 2 लाख रुपए की वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट का केवल 6% ही मुझे ब्याज कितना पड़ रहा है महीने का, वो यहाँ पे पता करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो चलिए लगाते हैं इसको भी, ये भी सेम वैसे ही लगेगा, इक्वल टू IPMT टैब ओपन कर लिया, वापस वैसे रेट हमने डाला था वही रेट देना है, मान लीजिए 6% का निकालना है, इसको भी महीने का निकालना है तो वही डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, उसके बाद फिर कोमा लगाना है। अब ये कह रहा है पर, यानी आपको कितने महीने का निकालना है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे कि मान लीजिए मुझे तो केवल एक ही महीने का चाहिए, उसके बाद फिर कोमा, ये कह रहा है फिर NPR के, कि भाई नंबर ऑफ पीरियड कितना है, तो वही 5 साल का है, उसके भी हमने महीने वाले महीने के मंथली के हिसाब से निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से कोमा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, PV निकालना है 2 लाख रुपये, सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। इसके वही डॉलर हटाने के लिए होम पे कोमा पे जाएंगे, हटा देंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो इंस्टॉल जो इंटरेस्ट था पर मंथ का वो दे दिया, कि 1,000 रुपये आपकी पर मंथ के वो होंगे, और इसका जो अमाउंट होगा वो बचा हुआ जो होगा वो इसमें होगा। तो ये हमें इंटरेस्ट बता देगा कि पर मंथ जो इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा। इसके आगे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई चलो ये जो अमाउंट है 3,866 रुपये, इस पे 1,000 का तो ब्याज लगता है, और इस पर मूलधन कितना जाना चाहिए या मूलधन कितना जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है PPMT, यानी प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो उसके लिए लगाने के लिए सेम वैसे ही करना पड़ेगा, इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे, टाइप कर देंगे PPMT टैब, वापस रेट देना है, रेट वही 6%,
एक महीने का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 12 से, कोमा कितने महीने का, एक महीने का, कोमा एनपीआर वैल्यू यानी 5 साल का है, इन वो क्या नाम, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, कोमा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2 लाख है, सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट वन और एंटर। इसको वापस ठीक करने के लिए कोमा पे क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके, तो इसने क्या कर दिया, अब सारी की सारी चीज़ें सामने आ गई है। ये जो 2 लाख रुपए हैं 5 साल में कंप्लीट कब होंगे, जब आप 3,866.56 रुपये की पर मंथ इंस्टॉलमेंट देंगे, जिस पे 1,000 का ब्याज लग रहा है, जो मूलधन है, जो अमाउंट है वो 2,866 रुपये है। तो ये पीपीएमटी फॉर्मूला था, तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, अगली क्लास में आगे के फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे।